अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं देखो आज ना केक बनाने वाली हूँ और मैं ना समझ में नहीं आ रहा मैं कैसा बनाऊँ। पहले तो मैं ये नमक ले ली, एक्चुअली मैं माइक्रोवेव में बनाने वाली थी, फिर क्या हुआ बोले तो उसमें एक बार बनाई थी तो मेरे को सही नहीं दिखा, तो मैं आज एक वीडियो देखी जो कि नमक का इस्तेमाल करे थे उन्होंने। तो मैं अभी नमक लूँगी, फिर मेरे पास मैदा है और मैं अभी इसमें मिक्स करूँगी सारी चीज़ों, और मेरे पास ये केक का पैन भी है देखो। तो मैं ना पहले बनाऊंगी, फिर बना के मैं आप लोगों को बताती हूँ, पहले मैं प्रिपेयर करती हूँ इसके लिए, ठीक है। मेरे पास सारे आइटम्स हैं जो जो भी इसमें लगते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ, ओके। तो मैं ना अभी वेट कर रही हूँ, खलील गए डेयरी मिल्क लाने, क्योंकि डेयरी मिल्क नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं खाती हूँ नहीं, तो मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ थी। अभी आए ना इन्हों, तो इन्हों आते कि मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह, आप लोगों को बताऊँगी कि मेरा केक कैसा बना। तो मैं यहाँ पे नमक को हीट होने के लिए रख दे रही हूँ अभी 10 मिनट्स के लिए, तब तक अपन प्रिपरेशन करेंगे और यहाँ पे मेरी हेल्प करेंगे खलील। तो अभी मैं प्रिपरेशन शुरू कर रही हूँ, तो अब हम इसमें पहले डालेंगे दूध जो कि मेरे पास है, पहले मैं इतना डालूँगी, फिर मैं सारे आइटम्स इसमें मिक्स करूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये कोको पाउडर, अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदा मैं इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से लूँगी क्योंकि मेरे को ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा, देखो पहले इतना डाल देंगे अपन, ज़्यादा नहीं होना है, ठीक है, इसको साइड में रख देंगे, ओके। नेक्स्ट तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये है बेकिंग पाउडर कोको का, तो ये वाला मैं इसमें ऐड करूँगी। गाइस वन सेकेंड, मैंने यहाँ पे वन टेबल स्पून कोको पाउडर, हाँ वन टेबल स्पून, पर मेरे को ज़्यादा दिख रहा है फिर भी ठीक है, चलो डाल देंगे। एंड नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट डालेंगे इसमें क्या डालेंगे खलील? बेकिंग सोडा, ओके चलो चलो यहाँ पे बेकिंग सोडा के लिए ले लेंगे, लेकिन ये ना थोड़ा डालना गाइस, ज़्यादा नहीं, ये देखो थोड़ा सा बस से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है चलो इट्स डन। ये वाला जैगरी पाउडर यानी गुड़, तो अभी देखो मैं कितना लूँगी इसमें, क्वांटिटी आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लो गाइस, ठीक है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी, वेट इसमें लेना पड़ेगा मेरे को, तो देखो मैं यहाँ पे स्पून के हिसाब से ले रही हूँ, वैसे ना खाली इतना, हाँ बस नहीं लेकिन टेस्ट आना, इसमें शुगर ऐड नहीं करते ना अपन, इतना तो लगता है। अरे तो मेरे को मीठा मीठा होना, बस बस चलो। तो गाइस अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी इतना सा जैगरी पाउडर, ओके। अब हम इसको अच्छे से, यस एग्जैक्टली, अब ये बॉल छोटा हो गया, मैं बड़ा वाला ले लेना था यार, खैर कोई नहीं अपन मिक्स करेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा दूध की कमी है तो ऐड कर सकते हैं अपन, लेकिन पहले अच्छे से इसको मिक्स तो करेंगे। डिंग 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 डिंग, तो यहाँ पे मैं ना खलील को लगाने वाली हूँ मिक्स करने इसका अच्छे से पहले, तो यहाँ पे अब खलील अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं, देखेंगे। वैसे तो मेरे को खुद पे भरोसा नहीं है कि मेरे से कोई केक अच्छा बन पा, क्योंकि मैं कभी बनाई नहीं, एक बार बनाई थी वो जल गया था, और इस बार कोशिश कर रही हूँ मैं बनाने की, लेट्स सी गाइस। अभी देखो इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है जब तक कि इसका बैटर कम्प्लीटली ना हो जाए तब तक, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो क्या बोलते हैं खलील इसको, मोटा नमक, राइट, हाँ ये जो मोटा नमक ऐड करी मैं इसको, ये हीट होने रख दी मैं 10 मिनट्स होते कि हम इसके ऊपर टिन रख देंगे, टिन रख के मस्त केक का इंतज़ार करेंगे। वाओ सही ना, आप तो एक्सपर्ट हैं। मेरे पास मेरे अंदर एक हिडन शेफ है। लेकिन कभी हम आपको केक बना के खिलाएंगे गाइस, हिडन है ना वो उसको हिडन ही रहने दें। अच्छा अच्छा इसमें ना लम्स नहीं दिखना, देखो अच्छे से मिक्स होना इसका बैटर, ओके हाँ, और अच्छे से मिक्स करो और करो बाबा।
तो गाइस आप लोग इसमें एग्स भी डाल सकते हैं, बट ये हम लोग अभी एगलेस बना रहे हैं, एक बार ट्राई करेंगे, फिर इसके बाद अगर ये अच्छा बन गया तो एक एग के साथ ट्राई करके देखेंगे। यस इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट, अच्छा ही बनता। जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसके बाद आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकते हैं इसके अंदर क्योंकि तो थोड़ा फ्लफीनेस आता है उसमें। तो हम लोग ऐड कर रहे हैं ऑयल 2 टेबलस्पून। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर ऑयल ऐड करने के बाद देखो कितना अच्छा हो गया ये, तो ऑयल अच्छे से ऐड होना इसमें, बोल के अपन उसको हलाते जाना हलाते जाना हलाते जाना जब तक कि अच्छे से मिक्स नहीं हो जाना उसमें। अच्छे से पूरा मिक्स हो गए बाद हम लोग यहाँ पर बटर पे अच्छे से इसमें अपन हला दिए, पूरा मिक्स कर दिए, पूरा अच्छे से मिक्स हो चुका। और यहाँ पे खरीद बटर पेपर वो रेडी है, लगा दिया उसमें अपन, फिर इसको ये अच्छे से मिक्स हो गया, अभी अपन इसके अंदर ये डाल सकते हैं बटर पेपर के अंदर। और मैं आज बनाई कीमा, देखो कीमा बनेगा, अरे खले ही खाना बनाए, चलो चलो डाल दो फटाफट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्लीज अल्लाह ताला हमारा केक अच्छा बनने दो, मेरे को केक खाना है। ओके वन सेकेंड, देखो गाइस माशाल्लाह, भी बना नहीं फिर भी हम ना पॉजिटिव सोचते हमेशा, क्या बोल खलील, थिंक पॉजिटिव गाइस, सही बनया नहीं बनो, लेकिन हम लोग खाने वाले तो थे। दिस इज द फर्स्ट ट्राई, सो होपफुली अच्छा बन जाए। पूरा अच्छे से निकालो, मेहनत से डाल के बनाया हम लोग, पूरा अच्छे से निकाल के डालो। अब इसमें ना थोड़ा सा वो डाल देंगे डेयरी मिल्क, ऊपर से डाल देंगे, वो करो कट करो उसको छोटे छोटे पीसेस बना सके। तो अब हम इसमें डेयरी मिल्क के पीसेस रख रहे हैं, देखो इस तरह से। आप चाहे तो इसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का फर्स्ट ट्राई है इसलिए हम लोग कुछ भी ऐड नहीं करें, हम लोग नट्स वेस्ट नहीं करना चाह रहे, इसलिए डेयरी मिल्क थोड़ा सा ऊपर ऊपर रख दे रहे। अगर ये अच्छा बन गया तो हमें भी एक आइडिया हो जाता कि भाई नेक्स्ट टाइम कैसा बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, done, it's done. कितना कौन सा कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए। हम लोग इसमें अब एक डेयरी मिल्क ऐड कर दिए पूरा, इसके बाद ये पूरा रेडी होने के बाद थोड़ा और डेयरी मिल्क को छोटे छोटे स्लाइसेस में चॉप करके ऊपर से गार्निश कर देंगे। तो अब इसके ऊपर हम स्टैंड रख देंगे हल्का, अरे बाप रे ठीक है ये गर्म हो गया थोड़ा, रुको एक सेकेंड, ठीक है हो जाता तो रख दो इसको। ओके चलो इट्स डन गाइस, अब इसको हम सिम पे रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। ओके मैं ना यहाँ पे खाना खा रही हूँ और वहाँ पे देखो स्पीड बारिश हो रही, अरे यहाँ से नहीं दिखती ना बारिश। हाँ दिखाना तो मैं ना खाना खा रही हूँ, मैं खीमा बनाई थी आज, बताई ना आप लोगों को, और मैं वेट कर रही हूँ केक का, वाह 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 वेट नहीं हो रहा, जल्दी बन जाना बोल रही मैं। गाइस बारिश देखो कितनी स्पीड हो रही है आज, पता नहीं क्या हो रहा, अल्लाह ताला नाराज है थोड़ी देर में। देखो वहाँ पे बारिश हो रही और यहाँ पे मेरा केक बन रहा है और मेरे को स्ट्रेस हो रहा, पता नहीं क्यों, पता नहीं मेरे को लग रहा है इन्हें बनता है कि नहीं कि, फिर अल्लाह मालिक या अल्लाह प्लीज़ केक बन जाओ, मेरा बहुत मन था घर में केक बना के खाऊं बोल के, और फिर भी मेरे को पता नहीं क्यों इतना स्ट्रेस हो रहा। होप फॉर द बेस्ट गाइस, तुम ना भी बोलो हाँ अच्छा बनता बोल के, वैसे मैं बाद में अपलोड करती हूँ, बाद में कमेंट में बोल दो ठीक है। अब मैं ये ना अगर मैं चेक भी करूँगी तो भी प्रॉब्लम होगा, तो मैं ना थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ बेटर। गाइस अभी हो गए 30 मिनट्स, तो मैं ना एक बार चेक कर लेती हूँ, ये इससे चेक करेंगे अपन के वाटर है नहीं अंदर। चलो बिस्मिल्लाह माशाल्लाह अच्छा तो दिख रहा, लेकिन इसको ना लगेगा और थोड़ा टाइम, क्योंकि मेरे को स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही, देखो गाइस अभी कच्चा है, तो इसको अभी एक 10 मिनट्स के लिए रखना होगा हम लोगों को।
चलो ठीक है, तो मैं फिर से रख दी। और ये थोड़ा कच्चा है, देखो कच्चा बोलते अच्छे से है, टाइम लगता है इसको भी। तो हम लोग यहाँ पे देखने आए और हम लोग का केक तो बन गया अलहमदिल्ला। अब इसको ना थोड़ा सा ठंडा होने रखना पड़ेगा। रुको बाबा, इसे टच करके देख लेंगे एक बार, देखो एक बार। हुआ तो सही, हो गया, नो वाटर फाउंड। चलो गाइस, उसमें पानी भी नहीं है, तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे साइड में। गाइस, हम लोग ये केक निकाल लिए, अब हम इसको ना आधे घंटे के लिए रख देंगे ठंडा होने, उसके बाद फिर इसके थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। ओके, तो गाइस हमारा केक यहाँ पे ठंडा हो गया और अब हम इसको ट्रे में निकालेंगे। तो यहाँ पे खलील करे बिस्मिल्लाह, कितनी खुशी पफी पफी बनना कहते खलील। गाइस देखो, वाओ वाओ पफी तो हुआ, इसको बीच में रख दो एकदम। देखो गाइस, देखो ये पफी हो गए एकदम टिक टिक। अब इसमें हम डालेंगे क्या है खलील, डेरी मिल्क। हम लोग डेरी मिल्क को ना क्या बोलते हैं इसको, बॉईल कर रहे थे डेरी मिल्क को, और इसके साथ साथ हम लोग ऐड कर रहे थे थोड़ा सा मिल्क, थोड़ा सा कोको पाउडर, और हम अब इसको गार्निशिंग करेंगे इस तरह से। वाओ खलील, यम्मी, मेरे तो खाना दिल भरा भाई। ये देखो भाई, केक तो खाते रहते लेकिन अपने हाथ का खाने की बात अलग रहती भाई। खाया बाद हॉस्पिटल जाना है, कहाँ जाना है वो डिसाइड करना पड़ता बाद में। ओवर कर रहे यार खलील, सीरियसली कैसा अपना देखो खाली, मैं ना कट करके भी बताऊंगी कैसा बना। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये डालो, ये कौन से पीसे से है, फाइव स्टार के। भैया हमारे पास कुछ था नहीं गार्निशिंग के लिए, तो हम लोग ऐसे ही कर ले रहे। देखो इसमें ना ये भी डालो थोड़ा सा, ए नको नको, अरे डालो भाई, अरे डालो, अच्छा दिखता है डेकोरेशन के लिए, थोड़ा हल्का सा डालो। वन सेकेंड, देखो गाइस मैं ना डेकोरेशन के लिए ये हेल्दी चीज़ें भी डालो बोरी भाई, अपन मैदा वैदा खा रहे थोड़ा डेकोरेशन हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग थोड़े सीड्स भी ऐड कर दिया बस। अब इसमें थोड़ी सी ब्लैक किशमिश ऐड करो। चलो चलो चलो, वो कट करना है। देखो गाइस हमारा केक सेम माशाल्लाह, और हम इसको टेस्ट करके बताएंगे। वाओ, मम्मी यहाँ पे केक कटिंग हो रही है माशाल्लाह। वाओ मम्मी, कितना पफी बना मालूम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मम्मी टू डिलीशियस। खाली सच्ची बोलो कैसा बना, अच्छा अच्छा सही बोलना, कैसा बना, टेस्ट कैसा है, बेहतरीन है। जज़ाकअल्लाहु खैर, थोड़ा शुगर डालना था इसमें बब्बा, मैं जैगरी पाउडर का बनाई ना, टेस्ट कैसा है बोलो। खाली चॉकलेट केक में दिख रहा जबरदस्त। अच्छा मम्मी इतना टेस्टी बना, मम्मी मैं क्या बोलूँ तुम्हारा, इतना टेस्टी। रुको रुको गाइस, देखो मैं भी ना कट कर रही हूँ। अरे निकल जाओ, देखो गाइस, अरे क्यों नहीं दिख रहा है, नहीं देखो 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 गाइस, पफी पफी बना, आई एम सो हैप्पी।